महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र में पूर्व विधायक अरिमर्दन सिंह उर्फ नाना की गुंडई सामने आई। शासनादेश के बावजूद सांसद आवास के समीप स्थित विधवा महिला की जमीन पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी कब्जा दिलाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। नतीजतन पीड़ित महिला परिजनों के साथ अधिकारियों की चौखट के तमाम चक्कर लगाने को मजबूर है। महोबा शहर कोतवाली के मिल्कीपुरा क्षेत्र में रहने वाली विधवा महिला ममता सचान ने बताया कि महोबा में सांसद आवास के सामने गाटा संख्या 1859/4 पर पूर्व विधायक अरिमर्दन सिंह उर्फ नाना अपना कब्जा जमाए हुए हैं। कई वर्षों से शिकायत के बावजूद पीड़िता महिला की कोई सुनवाई मामले में नहीं हो सकी है, जबकि महिला का कहना है कि यह उसका भूमिधरी नंबर है। कोर्ट के आदेश के बाद भी जिला प्रशासन के अफसर उसे कब्जा दिलाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसको लेकर तहसील सदर में एक बार फिर पीड़िता महिला शिकायत करने के लिए पहुंची है। उसका कहना है कि शिकायत के बावजूद आला अफसर इस मामले से अनजान बने हुए हैं। जी, आज शिकायत लेके आप तहसील समाधान निवास में आई थी, क्या है मामला? क्या नाम है आपका? क्या? ममता। क्या शिकायत लेके आई है? हमारी ये जमीन है, मतलब हमारे पति नहीं है, पुश्तैनी जमीन है हमारी, बच्चों का अधिकार है, और SDM के पास गए, वो कोई मदद नहीं दे रहे मदद के लिए। कहाँ पर जमीन है आपकी, किस जगह पर? प्राइवेट बस स्टैंड के पास। अच्छा, कौन लोग हैं जो काम नहीं होने दे रहे हैं? नाना अरिमर्दन सिंह और विधायक पार्टी जो भी हैं वो काम करने नहीं दे रहे। किस पार्टी के लोग हैं? विपक्षी पार्टी है, वो दूसरी पार्टी समाजवादी के विधायक नाना, वो नहीं बनाने दे रहे हैं। आपके पास कोई आदेश है कि जमीन पर निर्माण का करने का? हाँ, मुख्यमंत्री का आदेश है, वो हमारे साथ हैं, हम मदद के लिए गए मदद नहीं दे रहे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आप आए थे समाधान निवास में? हम शिकायत लेके आए, हमारी जमीन पुष्पन चंद नील के घर के सामने ढाबा कलर पहले, तो उसमें हम कोर्ट से आदेश ले आए हैं जमीन पे, पूर्व विधायक अरिमर्दन सिंह उस पर काम नहीं करने दे रहे, कोर्ट के आदेश है हमारे पास। अच्छा। जिस शिकायत है इसीलिए हम तहसील दिवस में आए। कितने दिनों से परेशान चल रहे हैं आप लोग? हैं, कितने दिनों से परेशान? 10-12 साल हो गए, 2012-13 से 10 साल करीब हो गए। अब कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला कर दिया? हाँ, आदेश है हमारे पास। तो कौन भी बनाने दे रहा था? अरिमर्दन सिंह पूर्व विधायक, सपा के नेता, सपा के पूर्व विधायक अरिमर्दन सिंह, यहीं तो सरकार सुनाई नहीं हो रही कहीं, ना SDM सुन रहे हैं ना कहीं यहाँ, और उल्टा हम लोगों के ऊपर शांति भंग का मुकदमा भी लग गया। और कुछ? आपका दिनेश चंद्र।